हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब बहुत 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 ही मजे में होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक इजी सा मेकअप जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स दोनों कर सकती हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं दो वीडियो बनाऊँ, स्कूल के अलग अलग और कॉलेज के अलग अलग, बट वो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज हो जाते हैं, तो मैंने दोनों वीडियोज को मर्ज करके ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आए। सो लेट गेट स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट एज अ टोनर मैं अप्लाई कर रही हूँ डाबर का ये गुलाब जल। ये इजीली हर कहीं पे मिल जाएगा आपको, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये ऑल स्किन टाइप्स है, तो आपकी कैसी भी स्किन हो, ड्राई या कॉम्बिनेशन या ऑयली, ये आपको सूट करेगा। जस्ट इट ऑन योर फेस। जब हम स्कूल टाइम में होते हैं या कॉलेज टाइम में होते हैं तो हमारे पास इन जनरल इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारा मेकअप अप्लाई करें, तो जितना मिनिमल हम लोग मेकअप अप्लाई करेंगे उतना हमारा टाइम भी। फर्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रीजीना का ये हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर। ओके, ये मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, नॉन ग्रीसी है और इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट ना वाटर बेस्ड है। So, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यदि आप स्कूल में हो और कॉलेज में हो तो आपकी स्किन के हिसाब से आप अपना मॉइस्चराइजर चूज करो, या आप इन जनरल जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो घर में वो आप लगा सकते हो। मेरी स्किन अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोड में है, एक में स्कार्स हो रहे हैं यहाँ पे मुझे, सो मैं बहुत ज्यादा मसाज नहीं कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि जब हम ऑयली स्किन वाले होते हैं ना तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके लिए, उनको तो ऑलरेडी ऑयल आ रहा है तो उनको मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत, बट ऐसा नहीं है। आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपके लिए मॉइस्चराइजर उतना ही जरूरी होता है। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वैसलीन, और आप चाहे तो कोई और मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो वैसलीन की जगह, या बहुत सारी रोल ऑन स्टिक्स आती है मॉइस्चराइजर की, आप वो यूज करते हो। वैसलीन में भी आती है और निविया वगैरह की जो टिंटेड होती है जिसमें थोड़ा सा पिगमेंटेशन होता है पिंक वाला, वो यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइज करने के बाद बारी आती है सनस्क्रीन की, तो आप स्कूल में हो या कॉलेज में, आपके लिए सनस्क्रीन इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप बाहर जा रहे हो, आप सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, धूल मिट्टी पॉल्यूशन में आप दिन भर रह रहे हो, ऐसे में आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि एक अच्छा सनस्क्रीन चूज कीजिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ यूवी कॉस का ये एक्वा जेल। ये मेरे स्किन टाइप के हिसाब से बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और साथ में ऑयली भी है, और ये मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, ये बहुत ही कमाल का सनस्क्रीन है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सनस्क्रीन चूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा टिंटेड है साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो ना, सो मेक श्योर कि कम से कम 15-20 मिनट पहले आप उसे अप्लाई करो बाहर निकलने से पहले, वरना आपको सनटेन का प्रॉब्लम जरूर हो। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज कर रही हूँ। आईब्रो पेंसिल गेम चेंजर है। यदि आपने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है और आपने सिर्फ अपने आईब्रोज किए, सो आपको शायद जरूरत ही ना पड़े कि आपको और मेकअप के लेयर्स ऐड करनी पड़े। यदि आप स्कूल जाते हो सो मे बी पॉसिबल कि आप अपनी आईब्रोज नहीं शेव करवाते होंगे, सो कोई बात नहीं, आप तब भी आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा आईब्रो पेंसिल यूज ना करो, क्योंकि यदि आईब्रोज शेप नहीं है तो वो अलग से झलकेगा आपके आईब्रोज में कि आपने यहाँ यहाँ कुछ लगा रखा है। सो आप चाहे तो सिर्फ स्पूली से इसे कॉम भी कर सकते हो। इसके बाद मैं ले रही हूँ जस्ट हब का ये लिप एंड चिप टिंट, और इसे मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। इसकी जगह आप कोई और लिप बाम भी यूज कर सकते हो, मार्केट में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें थोड़ा सा पिंक टोन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं इसे ब्लश के जैसे अप्लाई कर रही हूँ।
आप इसकी जगह कोई क्रीम लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे नोज पे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है ना कि इससे एकदम फ्रेश लुक आता है। तो मैंने इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई किया है क्योंकि मेरे चिक्स बहुत ज्यादा चबी है। यदि मैं इसे यहाँ जस्ट अपने चिक के ऊपर लगाऊंगी ना एप्पल ऑफ चिक्स पे तो मेरे चिक्स और ज्यादा भरे भरे से दिखेंगे। इस वजह से मैंने इसे यहाँ कॉर्नर पर लगाया है। यदि आप स्कूल और कॉलेज में हो तो मे बी कि आपके इतने चबी चिक्स ना हो तो आप इसे अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक का जो मेकअप लुक है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स आराम से कर सकती है। और एक चीज आप ऐड कर सकते हो वो है काजल। आई नो कि इंडियन कल्चर में काजल बहुत ज्यादा यूज होता है तो आप चाहो तो काजल बिल्कुल लगा सकते हो। बट इसके आगे के जो स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ मैं सजेस्ट करूंगी यदि आप कॉलेज में हो तब ही आप ये सब चीजें ट्राई करो। क्योंकि ना जब आप ग्रोइंग एज में होते हो तब की स्किन भी ग्रो होती है तो आप जितना कम मेकअप ट्राई करो उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा। इसके बाद मैं ले रही हूँ फिट मी का ये कंसीलर। कंसीलर यूज करने का सबसे मेजर रीजन है क्योंकि इस उम्र तक आते आते शायद आपको थोड़े से एक्ने हो जाए तो उसके स्पॉट्स हो कोई डार्क सर्कल्स हो तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो। क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करना मतलब एक और लेयर अप्लाई करना होता है और बहुत हेवी हो जाता है उतना मेकअप यदि आप कॉलेज में हो तब भी। तो आई विल सजेस्ट कि आप कंसीलर यूज कर सकते हो। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आई विल सजेस्ट कि आप बहुत ज्यादा कंसीलर भी यूज ना करें बहुत ही कम अमाउंट में यूज करें। जहां जहां आपको डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है बस वहां। बस इतना ही कंसीलर हम लोग ऐड कर रहे हैं क्योंकि यदि हम लोग ज्यादा कंसीलर लगाएंगे ना तो उसमें थोड़े टाइम बाद क्रीज दिखने लगेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का ये आईलाइनर। ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। बट याद रहे कि ये वाटरप्रूफ आईलाइनर नहीं है तो इससे हम लोग एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा आईलाइनर लगा लेंगे। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मैबलिन का ये मस्कारा। और यदि आप कोई अच्छा मस्कारा ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और अफोर्डेबल रेंज में भी है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाइट काजल। वाइट की जगह पीच शेड में भी आपको काजल मिल जाएंगे मार्केट में। और यदि आप ब्लैक काजल लगाते हो सो यू कैन गो फॉर दैट। व्हाइट काजल लगाने का मेरा सबसे मेन रीजन होता है ना कि इससे आपकी आंखें बहुत अच्छी दिखती है और साथ में थोड़ी बड़ी भी दिखती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज बना सकूँ। और हाँ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख पाओ। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टेक केयर।